पर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलटा अधूरा, होने ही वाला है पूरा। हद से गुजर जा तू, हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। मुमकिन किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देख। इट्स अ मनी स्पिनर्स, ये मेरा चैलेंज है। मिस्टर ब्रिगेंजा, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे? नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे। अ कंट्री विद बिलियन पीपल एंड ले दे के व्हाट 10 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन एंड नाउ बाय सैंक्शनिंग आरटूएफ यू मीन टू से ये जो सड़कों पे लड़ते हैं वो सीधा इंटरनेशनल फाइटर से लड़ेंगे? सड़कों पे गली क्रिकेट खेलने वाले नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं देखे आपने? इंडियन स्पोर्ट्स का हर चैंपियन शायद सड़क से ही उठकर आया मैम। Ex-fighter Mr. Baz Rawat feels very strongly for the R2F. I don't agree with Mr. Baz Rawat. हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो। ब्रेन पावर इज द मेन पावर यू सी। What do you think this is all about? Fight with the brains ही लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म। स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन ये सब लगता है इस गेम में। You got to think on your feet or you're dead. Hey, Peter, जाएगा क्या? बोलना जाएगा क्या? अरे जाएगा नहीं, गया। तेरी बारी है कमल कसले, तेरे बस में है सारे मसले। तेरे टूटे हुए दिल की जमीनों पे हिम्मत की उगाए फसले। तेरे हाथों में गरम है तेरा और खून गरम है तेरा। कोई तीर निशाने से चूके ना, जम के कदम रख ले। खुद में तू हथियार है, लड़ने को तैयार है। टंके की एक चोट के जैसा हर तेरा बार है। मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा। कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बतला दे। तेरी मर्जी है क्या? है कि क्या इंडियन फाइटिंग सीन इज अप टू द मार्क? या फॉरगेटिंग मिस्टर देसाई, ये अखाड़ों का देश है और एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट के लिए इतना एक्साइटमेंट होना कमाल की बात है। तो फिर देर किस बात की? यहीं लाइव हमारे चैनल पर डिक्लेयर करें इंडिया के पहले आर2ए फाइटर्स के नाम। अरे थोड़ा पेशेंस रखिए, इंडिया का पहला मार्शल आर्ट इवेंट है, एक्शन से पहले सस्पेंस तो होना ही चाहिए। मिस्टर पीटर ब्रिगेंजा'स ऑफिस हैज रिफ्यूज्ड टू कंफर्म और डिनाई दिस, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें यह पता चला है कि जर्मनी का हेवीवेट चैंपियन द ग्रेट लूका इंडिया आ रहा है। अगर ये खबर सच है तो लुका के आने से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का हो गया। That's fantastic. I've seen Luka fight. He's gruesome. He's very, very dangerous. देवर, इधर दे। So, बात खत्म। कंपटीशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया फिर। आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि द ग्रेट लुका कभी किसी इंडियन फाइटर से नहीं टकराया। कांटे की टक्कर होगी साहब। मारा अब है फर्श पर,